वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई साहब, मैं जो है हैदराबाद डबलपुर एरिया में रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अनवर दस्तगीर है। जो है मैं अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है सूरह निसा में कि जो है औरतों को हिजाब में रहने की इजाजत देता है। और मैं भी जो है मस्जिद का खिदमत गुजार हूँ, मस्जिद का मौजन हूँ। और मेरे घर वाले गैर मामूली जो है मैं 3 तलाक दिया बोल के जो है मेरे ऊपर जो है गलत इल्जाम जो है डाले हैं। और मैं अल्लाह को गवाह मानता हूँ कि जो है मैं 3 तलाक उनको दिया नहीं, मगर उन्होंने मेरे ऊपर ये गलत इल्जाम डाले, मेरे ऊपर गलत इल्जाम डाले कि जो है आप 3 तलाक दिए बोल के। उन्होंने यहाँ से जाके 7 महीने हो गया, 7 महीने के बाद अब उनको याद आ रहा कि मैं 3 तलाक दिया बोल के। अगर मैं देता तो जो है ये बात उन्होंने पहले ही इशू करना था, अब कर रहे। और मैं मीडिया में आना और ये सबको बताना बोल के मेरा मंशा नहीं था। और अल्लाह पाक फरमाता है तुम दूसरों के ऐप को छुपाओ, अल्लाह तुम्हारे ऐप को छुपाने वाला है। तो हम इल्म जानने वाले हैं और हम ऐसी हरकत नहीं कर सकते। और इन्होंने जो हमारे पर इल्जाम डाल रहे हैं कि जो 3 तलाक दिए बोल के, ये सरासर गलत है। ये आइंदा के कोई भी बच्ची ऐसा ये चीज से गलत फायदा नहीं उठाना कि जो है 3 तलाक दिए हमारे को बोल के। क्योंकि जब तक जबान से देने के बाद उसका गवाह भी रहता है, मगर मेरे पर गलत इल्जाम दे रहे हैं कि जो है आप 3 तलाक दिए बोल के। और दूसरी बात, मेरे वालिदैन के साथ इन्होंने बार बार लड़ना हमारे घर वाले, मैं इनको अलग लेके रहा, उसके बावजूद भी जो है इनका अफेयर जो है कोई दूसरे बच्चे के साथ था। तो मैं बोला कि भाई वो बच्चे को आने नहीं देना, तो बच्चे को आने दिए। फिर उसके बाद जो है बोले कि जो है वो एक हाफिज कुरान आके मेरे सामने भीख मंग रहा, तो मैं उसके साथ उसका साथ नहीं दी तो अल्लाह भी मेरे को माफ नहीं करता तुम्हारे साथ और तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल से नेशनल मीडिया और लोकल मीडिया में एक न्यूज चल रही है कि ओल्ड सिटी के रहने वाले मोहम्मद अनवर अपनी अहलिया को 3 तलाक दे दिए, जिस पे कानून बना था कि 3 तलाक एक क्राइम है। उसके बाद जब मोहम्मद अनवर जो बागे जारा के रहने वाले हैं, इंतहाई शरीफ जो जामा मस्जिद बागे जारा की नायब मौजमी भी करते हैं, उन्होंने हरगिज उनकी अहलिया को 3 तलाक नहीं दिया, बल्कि उनकी एक अहलिया एक कैरेक्टर लेस है। आज हमें इस बात बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है कि लड़की के ताल्लुक से इससे पहले भी वो लड़की पकड़े गई थी दूसरे बच्चे के साथ गैर ताल्लुकात के बिना पर। उसके बावजूद भी मोहम्मद अनवर जो मीडिया जिनका नाम मोहम्मद दस्तगीर बता रही है, एक इंतहाई शरीफ है। आप महल्ले के हर घर से जाकर उनके बारे में पूछ ले सकते कि कैसे कैरेक्टर के हैं, कैसा महल्ले में है, कितने सालों से महल्ले में है। इस तरह के उन पर इल्ज़ाम लगा के वो लड़की सिर्फ अपनी बदनामी नहीं बल्कि पूरे मुसलमान कौम की बदनामी कर रही है। जिस तरह से हुकूमत जो एक गैर कानून बना के जो शरीयत पे हमला करी, ऐसे लोग हुकूमत को बढ़ावा दे रहे हैं कि ये इससे मुसलमानों की और बदनामी हो। हम चाहते हैं हैदराबाद सिटी पुलिस से और जितने भी बड़े कायदीन से हैं, हम इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा छानबीन करें और ऐसे हरकतें करने वाले झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले लड़कियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि एक कौम हमारी कौम की बदनामी से हम महफूज रहे। पे इल्ज़ाम लगाइए, क्या वो सही है? जी नहीं, गलत बोल रहे हैं। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है और उनको मैं खुद अपने आंखों से देखकर कि बोली कि देखो मेरा ये गलत है, ये नहीं करना बोली। और मेरे बेटे को मैं इतला नहीं दी। क्या नहीं करना बोले, क्या गलत है बोले? दोनों घर में बैठे हुए थे, कौन राशिद, और उन्होंने दोनों बैठे हुए थे। तो मैं उनको बोली देखो मेरा ये गलत है, ये नहीं करना, मैं अभी बोली मैं आपको अंदाज से राशिद को नहीं आने देना बोली। उसके बाद से मेरे संगात लड़ाया और झगड़े किनकिना शुरू कर दिए कि मैं ये इतला कर रही बोलने के बाद में। फिर मैं बेटे को भी नहीं बोली, मैं अपनी जगह आप रखे खामोश बैठी कि बोले तो दोनों में किरकिर होती है। आज तक मैं बेटे को भी नहीं बोली ये बात, और आज आप लोगों के पूरा स्वामी ये बात बोली मैं। आज तक अनवर मियां को भी नहीं बोली ये बात मैं कि मैं ऐसा देखी, देखो अनवर मियां दोनों ऐसा कमरे में थे, बल्कि मैं बेटे को भी नहीं बोली। और जो मेरा जो गलत तोहमत जो रख रहे हैं ना, और उन्होंने कभी अच्छे नहीं रहेंगे। जो तोहमत झूठ झूठ बताओ मेरे बच्चे में बनाई, पहले बोलते कि पैसा ले मंगाए, दूसरे वक्त बोलते बच्चे को टचअप करे, बच्चे को मार डाले, मेरी बेटी को मारने को जा देते, ये सब गलत बोले। खुदा को भूल के जो इतनी बात कर रहे हैं और उतना वतीरा उनके घर पे उतरेगा, ये मेरी बात है। और झूठ बोलना मेरे को तो नहीं आता, मैं जो भी बात करी सच करी। और मेरे बेटे पे जो 3 तलाक का बोले, 4 आदमी को बिठा के गवाह देने का, उसको इस्लाम मालूम है
कि उन्हें इस्लाम जानने वाला है कि चार आदमियों को नहीं बिठाने से पहले उन्हें तलाक नहीं बोल सकता हूँ, कि उसको मालूम है कि ये तलाक किस तरीके से देना है। और हर बात से मैं घर में रह के बात करना बोल के बोली, इनके बाबा नाका पीएस पुलिस हर जगह लेके बाद बेटी को फिर के आज बेटी का तमाशा करके और मेरे बच्चों को आज बदनाम कर रहे हैं। और ये बात नहीं, जो भी बोली हकनाक अल्लाह पाक देखने वाला है, अगर मैं झूठ बोली तो मेरे को सजा देगा, नहीं तो इन्हें रोड़े रोड़ के फिरेंगे, ये मेरा वायदा है। अल्लाह से मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला को हक का फैसला दे और जो मेरे बच्चे के साथ जो करे हैं उसका बाप और बेटी को कभी अच्छा नहीं रखेंगे। ये अल्लाह का से मैं फरमान कर रही हूँ और नमाज पढ़ के हर वक्त दुआ करी मैं कि मेरे बच्चे पे जो जो तुहमत उठा के आज बच्चे को मेरे गली गली फिरा के आज बस्ती में मेरा बच्चे को 2 साल से लेके आगे बस्ती में 2 साल से मेरा बच्चा 34 साल का होगा मेरा बच्चा, आज पूरी गली पूरी बस्ती इकट्ठी आज जो गलत फैसला सुन रहे हैं कि दो का फैसला सुनना और दो का फैसला सुनकर हक का फैसला दिलाएंगे तो अल्लाह ताला से उन लोग गुनहगार नहीं रहेंगे और दोनों ना हक का फैसला करेंगे अल्लाह ताला उनको कभी अच्छे नहीं रखेंगे। बस परवरदिगार से मेरी ये गुजारिश है कि अल्लाह पाक इनको बहुत बड़ी सजा दे कि बाप और बेटी को कभी इन लोगों को अच्छा न करो, क्यों कि मेरा बच्चा कभी ऐसा करा नहीं और मेरे बच्चे जो तोहमत उठा के आज गली गली फिर रहे आज उनका कहीं बात नहीं बनी। हमारे फोन में थोड़ा सहूलत है, यहाँ ठहर कर।